हाय एवरीवन, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे लव वेज किचन पे। आज हमने एक प्रोडक्ट मंगाया है जो कि क्लेम करता है कि वो रस्ट या फिर किसी भी यूटेंसिल से अगर कालिख लगी हुई होगी तो वो उसको हटा देगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो जो इसमें इस जितने भी तरह के स्टेन्स होते हैं, जैसे कि कालिख लग जाती है, दाग धब्बे लग जाते हैं, या फिर वो थोड़ा धुंधला टाइप का हो जाता है जिससे वो जितने भी बर्तन होते हैं वो पुराने दिखने लगते हैं, तो उस वजह से भी ये उसको पूरा शाइनी बना देगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये कर पाता है कि नहीं। पहले मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये हमारी आई है क्लियर शाइन मैजिक क्लियर से, जो कि क्लेम कर रहा है कि वो हर तरह के टार्निश, रस्ट, स्टेन को रिमूव कर देगा। टार्निश मतलब हो गया अगर कोई धुंधलापन या कालिख लग गई हो तो वो उसको रिमूव करेगा। तो अब इसको यूज़ करने के बाद हम बताएंगे कि ये वर्क करता है या नहीं। इसकी प्राइस यहाँ पे 225 लिखी हुई है। अगर ये वर्क करता है तो ये आप लोगों के लिए भी काफ़ी यूज़फुल होगी गाइस। तो ये यहाँ पर ये भी क्लेम करता है कि कौन कौन से बर्तन को ये बहुत शाइनी बना देगा, एकदम न्यू जैसा। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टील पे हम यूज़ कर सकते हैं, कॉपर पे यूज़ कर सकते हैं, एल्यूमिनियम, फॉसेट एंड मैंने मिरर पे हम यूज़ कर सकते हैं, या सिंक पे यूज़ कर सकते हैं, और ब्रास मतलब तांबा कांसा पे यूज़ कर सकते हैं, यू नो। तो यहाँ पर प्राइस लिखा हुआ है 225, लेकिन ये मुझे पड़ा है 185 रुपीज़ का। तो इसके डायरेक्शंस भी लिखे हुए हैं कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमें वेट करना है, फिर क्लीन करना है विद दिस पाउडर। हमें इस पाउडर से क्लीन करना है और हमें पानी से नॉर्मली धो लेना है और एक ड्राई क्लॉथ से उसे साफ़ कर लेना है यूटेंसिल को। ठीक है, अब इसे देखते हैं कि सच में ये वर्क करती भी है या फिर इसी तरह है। ठीक है, तब मैं आपको इसको खोल कर दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर हमें ये चीज़ तोड़ना है। ठीक है, अब ये हमारा खुल जाए। अच्छा, लेट मी चेक, नहीं सिर्फ यहीं पे था, तो अब शायद ये ओपन हो जाएगा। ये काफ़ी टाइट है इसका ढक्कन, ये अभी मुझे खुल नहीं रहा है। देख सकते हैं कि ये थोड़ा ऊपर आया है, तब इसको थोड़ा थोड़ा, देखिए आप देख सकते हैं। ओके, फाइनली ये खुल चुका है। ये इस तरह के पाउडर में आया है, ये तो काफ़ी चिकना है। ओके, अब इसे यूज़ करके हम आपको बताएंगे कि ये सच में वर्क करता है या नहीं। ये 400 ग्राम का है, जो जिसका दाम लिखा हुआ है 225 रुपये और मुझे पड़े हैं 185 रुपये में। गाइस, मैं ये ले आई हूँ। ये तांबा का लोटा है और आप देख सकते हैं कि ये कैसा हो गया है। तो अब हम इसे साफ करके देखते हैं कि ये सच में वर्क करता है या नहीं। ये मैजिक क्लीनर जो कि क्लेम करता है कि ये सारे चीज़ को अच्छे से साफ कर देगा और शाइनी लुक देगा। अभी हम इसे यूज़ करते हैं। जैसा कि बोला गया है कि हमें इसे थोड़ा सा पानी से थोड़ा गीला कर देना है, तो चलिए इसको थोड़ा गीला कर देते हैं पानी से। मेरी वीडियो थोड़े देर के लिए रुक गई थी, इसलिए पहली बार जब मैं प्रोडक्ट अप्लाई की इसमें तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। पूरा शाइनी बना देगा, तो देखते हैं शाइनी। अगर आप देख सकते हैं तो ये सच में शाइनी बना रहा है इसे। वाओ, देखिए यहाँ का कलर और यहाँ का कलर बहुत डिफरेंस है। तो वाह, ये तो बहुत सच में बहुत अच्छा हो गया है। मैं इसमें थोड़ा सा पानी देके और अच्छे से इसको करना चाहती हूँ। देख, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं कि ये निकालता है या नहीं। कर रही हूँ। वाह,
ये तो सच में बहुत सही वर्क कर रहा है गाइस। इससे पहले मैंने इसे बहुत ट्राई किया था कि ये बहुत अच्छा से साफ हो जाए, और ये यू नो ये साफ नहीं हो रहा था। तांबा का कोई भी चीज़ मेरे जो डिटर्जेंट यूज़ करते हैं या फिर जो यू नो बर्तन धोने का यूज़ करते हैं उससे एकदम साफ़ नहीं हो रहा था, लेकिन ये तो एकदम मैजिक ही निकला। ये तो पूरा शाइनी बना दिया इसको, अब देख सकते हैं डिफरेंस। अंदर का देखिए और ये बाहर का देखिए, मस्त है ना। अरे वाह, तो चलिए अंदर भी एक बार देख लेते हैं। आप इस पाउडर को हाथ से मत यूज़ कीजिएगा, आप कोई कपड़ा ले लीजिएगा उससे यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि ये हाथ को ड्राई कर देगा। वाओ गाइस, आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिए अगर आप चाहते हैं कि फॉटलेस आपका पूरा यू नो पूरा वॉश हो जाए, आपके जितने भी तांबे के बर्तन हैं बहुत अच्छे से वॉश हो जाए। इसमें मुझे बिल्कुल भी इफ़र्ट नहीं लगा कि मैं किसी चीज़ को लेकर इसको रगड़ूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रोडक्ट हल्का हल्का लगाने से ही ये पूरा अच्छे से मुझे शाइनी लुक दे रहा है। और अब हम इसे अच्छे से कपड़े से पोंछ लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये कितना परफेक्ट वर्क किया है। ये एकदम वैसा वर्क हो गया है जैसा मैंने फर्स्ट टाइम इसे लिया था। सी, ये प्रोडक्ट तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। लोहे के बर्तन को ये बहुत अच्छे से शाइन नहीं करता है। आई एम रियली हैप्पी विद दिस रिजल्ट, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो आप भी इसे बाय कर सकते हो, मैंने ये अमेज़ॉन से ख़रीदा है और 185 रुपीज़ में ख़रीदा है और ये 400 ग्राम का है। अब देखिए मैंने इसे पूरी अच्छी तरह धो दिया है और आप देख सकते हैं कि पहले का रिज़ल्ट और अभी का रिज़ल्ट अभी बहुत अच्छा, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने मार्केट से जाके ख़रीदा है। तो ये प्रोडक्ट मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, और मेरा मानना है कि आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए अगर आपको लग रहा है कि पीतल के बर्तन को या फिर यू नो तांबे के बर्तन को बहुत ज़्यादा घिसना पड़ता है उसे शाइन देने के लिए, या फिर उससे जो गंदगी है उसके डर्ट है उसके साफ नहीं हो रहे हैं, तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए ये क्लियर शाइन मैजिक क्लीनर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए, हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, आपका सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इस लोटे का कलर ऐसा था और अभी ये ऐसा है। अगर आपको अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है तो मैं इसको भी दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं। यू नो देखिए मैंने इसे वेट कर लिया है, मैंने आपके सामने प्रोडक्ट लिया है और ये देखिए आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से साफ हो रहा है, ये गंदगी किस तरीके से छूट रही है। मैंने ज़्यादा इफ़र्ट नहीं लगा रही हूँ, मुझे कुछ भी रगड़ना उतना नहीं पड़ रहा है, बस मैं हाथ से ही हल्का हल्का इसे कर रही हूँ, और आप देख सकते हैं एक शाइनी लुक आ रहा है इसे रगड़ने के बाद। आई एम वेरी हैप्पी विद द रिज़ल्ट। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे सिर्फ़ और सिर्फ हाथों से रगड़ा है, मैंने इसमें स्क्रबर का भी यूज़ नहीं किया है, और उसके बावजूद ये मुझे इतना अच्छा शाइनी लुक दिया, क्योंकि बहुत लोग खोजते हैं ऐसे प्रोडक्ट को जिसमें इतना ज़्यादा इफ़र्ट ना लगाना पड़े और उनके बर्तन जो है पहले की तरह शाइनी हो जाए। तो मुझे लगता है ये प्रोडक्ट उनके लिए बहुत अच्छा है। गाइस आप देख सकते हैं कि इसमें शाइनी लुक आने लगा है, आप देख सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा रगड़ने पर मुझे बहुत ही अच्छा लुक मिला है, और पीछे का तो रिज़ल्ट आपके सामने है कि देखिए कितना मस्त लुक आया है इसका। अगर आप इतना रब नहीं करना चाहते हैं और कोई स्क्रबर यूज़ नहीं करना चाहते हैं, बिना इफ़र्ट के अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट पूरी तरह से साफ़ हो जाए, तो आप एक बर्तन में पानी ले लीजिए और इस प्रोडक्ट के मिक्सचर को डाल दीजिए, और सारे बर्तनों को उसके अंदर डाल के कुछ टाइम तक छोड़ दीजिए, मतलब 1-2 घंटे तक, और आपका बर्तन बिल्कुल बिना इफ़र्ट किए ही बहुत अच्छे से शाइनी हो जाएगा। रिज़ल्ट आपके सामने है। Thanks for watching. Please subscribe this channel.